हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास हमारी होगी वो संवैधानिक विकास पर होगी। संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास की ये जो क्लास होगी वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात होगी। तो अभी हम यहाँ तक आ गए हैं पढ़ते पढ़ते। तो आज ये संवैधानिक विकास के क्रम में अंतिम अधिनियम होगा। इसके द्वारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें मूल बात क्या थी, उसको देखते हैं। तो ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात है। तो इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी या महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु में इसमें ये पूछता है कि स्वतंत्रता अधिनियम कब आया और कब पारित हुआ, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो ये बातें हम शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। तो पहला आता है कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को यह है ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। तो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ 4 जुलाई 1947 को। और उसके बाद यह 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। और ये 18 जुलाई 1947 को वहाँ की पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद की पार्लियामेंट द्वारा पारित हो गया। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी कि ये पूछ लेता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो कब ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। तो 4 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 2 हफ्ते बाद 18 जुलाई 1947 को वो प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से वो पारित हो गया। तो अब ये पारित हो गया तो इसमें क्या क्या की पॉइंट थे। तो ये तो इसकी शुरुआती कब जो रखा गया, कब प्रस्ताव आया और प्रस्ताव आया और यह कब पारित हुआ है, इसकी बात है। तो इसमें क्या क्या बिंदु थे उसको देख ले रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि दो अधिराज्य बनाए जाने के लिए प्रावधान किए गए। तो दो अधिराज्य बनाए जाने के लिए प्रावधान किए गए। उन दो अधिराज्यों में एक था भारत और एक था पाकिस्तान। एक भारत और एक पाकिस्तान। तो दो अधिराज्य बनाए गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इसमें ये बात रखी गई कि दो अधिराज्य बनाए जाएंगे, एक भारत बनाया जाएगा और एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात यह थी कि जो 1947 का जो अधिनियम होगा उसमें ये बात रखी गई कि ब्रिटिश सत्ता अब इन अधिराज्यों को राज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। ये बात इसमें रखी गई कि अब ब्रिटिश जो सत्ता थी वो इन अधिराज्यों की जो संविधान सभा होगी उस ब्रिटिश सत्ता को उसमें उसको सौंप दिया जाएगा और तब तक वो संचालित करेंगे जब तक इनका संविधान नहीं बन जाता और कोई संविधानिक सभा द्वारा संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक ये वो संविधान सभा द्वारा ही शासन किया जाएगा। अब क्या था, ये शासन कैसे होगा, इसमें सत्ता तो सौंप दी और सत्ता सौंप दी किसको, संविधान सभा को, उन अधिराज्यों की संविधान सभा को सत्ता सौंप दी और बोला गया कि जब तक आप पूरी तरह से संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक आपको संचालित करना है इन राज्यों को, देशों को। अब क्या हुआ था कि ये जो अधिराज्य थे दो, भारत और पाकिस्तान, वो चलेंगे किससे, किस कानून से चलेंगे, ये प्रश्न आता है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इस अधिनियम के द्वारा जब तक इन दोनों के संविधान निर्मित नहीं हो जाते तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा
दोनों राज्यों को चलाया जाएगा और उन्हीं के अनुसार उनका शासन किया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण थी 1947 में कि जब तक इनकी संविधान नहीं बनते तब तक इन्हीं के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उसको चलाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात थी। और भी देखते हैं इसमें क्या था। और इसमें ये बात रखी गई थी कि देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतों को अब ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तो ब्रिटिश साम्राज्य से जो देशी रियासतें थी उनको स्वतंत्रता दे दी गई। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जिस भी डोमिनियन में, जिस भी अधिराज्य में आप शामिल होना चाहते हैं आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये देशी रियासतों को ये उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये और महत्वपूर्ण बात थी। और क्या था इसमें, और ये बात थी कि अब भारत में क्या क्या शामिल कर लिया गया इसकी बात थी। तो इसमें बलूचिस्तान कौमा सिंध कौमा पश्चिमी सीमांत प्रांत पश्चिमी पंजाब पूर्वी बंगाल कौमा असम का सिलहट क्षेत्र इनको छोड़कर भारत में संपूर्ण क्षेत्र होगा। तो अब भारत में संपूर्ण क्षेत्र होगा इन क्षेत्रों को छोड़कर। किस किस को छोड़कर? एक तो बलूचिस्तान को छोड़कर, सिंध को छोड़कर, पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर, पश्चिमी पंजाब को छोड़कर, पूर्वी बंगाल को छोड़कर, असम के सिलहट क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसमें संपूर्ण भारत होगा। ये इसकी जो अब प्रावधान किए गए थे 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में। तो इस तरीके से भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। और इसके द्वारा वैसे पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले जो असम का जिला था सिलहट जिला, उसने पाकिस्तान में 1947 में जब जन संग्रह हुआ था तो उसमें उसने इच्छा जताई थी अपनी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से ये स्वतंत्रता